आज का हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है इसके पहले Lecture-1 और Lecture-2। उस प्लेलिस्ट में है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ लिंक दिया हुआ है, लिंक मिलेगा आपको, उसको खोल के आप देख सकते हैं Lecture-1 और Lecture-2। पहले एक बार ठीक से आप देख लीजिए थॉरोली, तो फिर Lecture-3 को समझने में आपको सुविधा होगी, Lecture-3 को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। वैसे इस वीडियो में हम अभी चर्चा करेंगे, पिछले Lecture-2 के वीडियो में भी और Lecture-1 के वीडियो में भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि किसी भी टेंस का, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, किसी भी टेंस का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, यानी उसका जो सब कैटेगरी है परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कई ग्रामेरियन ने इसको माना है कि सेंटेंस चेंज नहीं हो सकता। यानी एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस में उसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है और बहुत से ग्रामेरियन भी इस प्रकार की बात नहीं मानते हैं। ग्रामेरियन इस बात को मानते हैं कि इट कैन बी चेंज, ये चेंज किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर पहले दिखा दूं, फिर हम लोग पास्ट टेंस की बात इस वीडियो में करेंगे। आइए देखते हैं एक सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और हाउ टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म, हम इसकी चर्चा करते हैं। एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस लेते हैं, फिर उसको चेंज करके देखते हैं कि किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपके बोर्ड पर एक सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, आप यहाँ पर आगे भी सेंटेंस को दे सकते हैं, प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, फॉर 2 आवर्स, फॉर 1 आवर, तो ये अलग बात है, इसको यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं। केवल इसके स्ट्रक्चर को आप समझिए, इसमें अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट है। हमने क्या कहा था कि पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर डालना है, इसको डाल दीजिए, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, अ लेटर। इसके अनुसार इसका हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कोई हैज या हैव है, वो एडिशनल हेल्पिंग वर्ब है बीन। बीन के साथ हेल्पिंग वर्ब के जैसा ट्रीट भी नहीं करना आपको, आपको हैज या हैव के साथ करना है। तो ए लेटर के बाद अ लेटर हैज बीन, और इसमें केवल हैज बीन या हैव बीन के बाद बीइंग जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना, ये बीइंग जोड़ते हैं, बस इतना ही करना है। फिर वैसे ही V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन और एजेंट बाय लगाकर एजेंट मी का यूज, तो क्या हो गया, ए लेटर हैज बीन बीइंग रिटेन बाय मी। इस तरह से आप सेंटेंस को, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब चेंज करते क्यों नहीं है, या सामान्य रूप से काहे ग्रामेरियन कह देते हैं कि नहीं इसको चेंज नहीं करना है, बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ सच ए सेंटेंस इन योर यूज, आपके यूज में इस प्रकार के सेंटेंस का कोई जरूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल नीडलेस है, यूजलेस है, आपको कहीं इस प्रकार का यूज मिलता नहीं है, इसलिए लोग नहीं करते हैं और इसको इस तरह से अवॉइड करके कहते हैं कि नहीं इसको चेंज नहीं किया जा सकता है या चेंज नहीं करना है। हम भी यही मान के चलेंगे चेंज नहीं करना है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज ए सेंटेंस फ्रॉम इट्स परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, दिस रूल शुड बी मेंटेन, दिस रूल शुड बी फॉलोड देयर एंड ए सेंटेंस कैन बी चेंज, यू सी ऑन द बोर्ड। आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर इस प्रकार के सेंटेंस को अगर रूल फॉलो करेंगे तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज यूजलेस ओनली, सो वी डू नॉट चेंज। हम चेंज नहीं करते हैं इसलिए कि इसका ये यूजलेस है, इसका यूज नहीं है, कभी ज़रूरत नहीं होती है, बस नहीं तो इसको फॉलो करेंगे तो हैज बीन के बाद बीइंग जोड़ दीजिए और उसके बाद V3 दे के एजेंट का यूज कीजिए, वो चेंज हो जाएगा। अब ना हो टेंस, पास्ट टेंस में भी इसके 3 फॉर्म्स हैं 4 फॉर्म्स हैं, लेकिन चौथे फॉर्म का फिर चूंकि वही यूज नहीं होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज नहीं है, इसलिए उसको चेंज नहीं करेंगे। अब केवल
पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, इस तीनों को चेंज करने के रूल्स को हम यहाँ सीखेंगे। आप ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से और बहुत कम समय में आप इसके रूल्स को समझ जाएंगे और आपको बिल्कुल कम समय लगेगा इस फॉर्मेट का। कोई भी सेंटेंस यदि आपको आगे मिलेगा चेंज करने को तो बिल्कुल आप आइडेंटिफिकेशन में भी समय कम लगेगा, टाइम कम लगेगा और फिर उसको चेंज करने में भी और भी कम समय लगेगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। ध्यान से देखिए इसको कि सिंपल पास्ट जो है इसका हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में डिड होता है। सामान्य रूप से एसर्टिव सेंटेंस में इसमें जो अफर्मेटिव फॉर्म है एसर्टिव का उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट। जैसे आई सब्जेक्ट है इसका, रोट वी टू है इसका, अ लेटर ऑब्जेक्ट है इसका। लेकिन जब ये निगेटिव होता है तो इसका हेल्पिंग वर्ब डिड आता है, डिड नॉट। आई डिड नॉट राइट अ लेटर अगर निगेटिव होगा तो, अगर क्वेश्चन होगा तो डिड आई राइट अ लेटर इस तरह का होगा। तो उसको फिर इसके बाद देखेंगे, पहले आप ये देखिए कि अफर्मेटिव में एसर्टिव में अफर्मेटिव फॉर्म कैसे चेंज करेंगे। यानी स्ट्रक्चर उसका हो गया सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसका पेसिव फॉर्मेट में जब जाइएगा तो हेल्पिंग वर्ब इसका डिड नहीं रहता है। पेसिव फॉर्मेट में हेल्पिंग वर्ब इसका वाज या वेयर हो जाता है, वो डिड को आप भूल जाइए। जैसे सिंपल प्रेजेंट में आपने डू डज को छोड़ दिया पेसिव फॉर्म में और क्या किया उसकी जगह पर इज एम आर को डाला, ठीक उसी तरह से सिंपल पास्ट में डिड को छोड़ देंगे और जब उसका पेसिव वॉइस बनेगा तो वो हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर में चेंज हो जाएगा। V3 का यूज ऑलवेज, जैसा आप जानते हैं कि V3 का जब भी पेसिव फॉर्म का कोई सेंटेंस मिलेगा तो वो वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही मिलेगा V3, और बाय लगा के पहला काम किया कि जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बनाया। दूसरा काम किया कि वाज या वेयर दो में से कोई एक अकॉर्डिंग टू दिस वेरी सब्जेक्ट, इस नए सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म डाला और बाय लगाकर फिर ये जो ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बनाया था और ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया बाय लगाकर, यानी ये एजेंट का काम कर रहा है। जैसे अब यहाँ देखिए आई रोट अ लेटर, आई इसका सब्जेक्ट, रोट इसका V2, अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया इस ऑब्जेक्ट को अ लेटर को सब्जेक्ट बना दिया, अ लेटर यहाँ पर ये पेसिव फॉर्म में चेंज हो गया है। देख लीजिए अ लेटर को हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया, इसके अनुसार इसका हेल्पिंग वर्ब वाज डाला। अगर यही अ लेटर नहीं होके लेटर्स होता तो वेयर होता, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता तो प्लूरल वर्ब लगता वेयर लगता, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म डाला हेल्पिंग वर्ब के बाद रिटेन बाय लगाकर और इसी आई को यहाँ पर एजेंट के रूप में फिर बाय लगाकर हमने मी का यूज किया, ये ऑब्जेक्ट बना दिया इसको, ऑब्जेक्टिव केस में मी कर दिया, ये बन गया अ लेटर वाज रिटेन बाय मी। अब अगर इसका आप निगेटिव फॉर्म देखना चाहते हैं हम आपको यहाँ बोर्ड पर एक निगेटिव फॉर्म बना के देखते हैं कि निगेटिव कैसे बनता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है सब्जेक्ट उसके बाद डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट, ये V2 बदल के V1 यहाँ हो गया है। आई डिड नॉट ये रोट जो था राइट हो गया, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, ये सेंटेंस है आपका, ये निगेटिव फॉर्म में है। अब आप इसको जब चेंज करोगे तो हमने कहा था कि डिड के लिए कोई जगह नहीं पेसिव वॉइस में, वो वाज और वेयर ले लेता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हो गया सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट, यहाँ पर भी जो नया सब्जेक्ट बनेगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट, बस इतना ही करना है। ये देखिए अ लेटर को आपने सब्जेक्ट बनाया, अ लेटर उसके बाद इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इसका वाज या वेयर, तो वाज नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग, बस इतना ही ध्यान रखना है कि डिड का नहीं वाज का प्रयोग किया, डिड का नहीं वेयर का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस वेरी सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे फिर नॉट। और पैसिव वॉइस में तो हर हाल में V3 ही डालना है, इसलिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन अ लेटर वाज नॉट रिटेन बाय मी बन गया, बिल्कुल इजी है। अगर क्वेश्चन सेंटेंस देखेंगे तो क्वेश्चन में ये डिड आगे आ जाता है, जैसे यहां पर बनेगा
Did I write a letter? अब आप यहां इसको देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, चूंकि इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, तो अगर ये प्लूरल रहेगा तो आगे में जो हेल्पिंग वर्ब देंगे आप वाज या वेयर, वो प्लूरल देंगे। अगर ये सिंगुलर है तो आगे में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो वाज अ लेटर बी थ्री रिटेन बाय मी। इस तरह से सिंपल पास्ट के सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हैं। आई रोट ए लेटर, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। आई डिड नॉट राइट अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय मी। डिड आई राइट अ लेटर, वॉज अ लेटर रिटन बाय मी। इस तरह से पैसिव वॉइस में आप किसी भी सेंटेंस को इस नियम को फॉलो करते हुए, कुछ नहीं नियम में सिर्फ इतना याद रखना है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पहला काम, उसके अकॉर्डिंगली याद रखना है कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, उसके अनुसार उसका हेल्पिंग वर्ब डालना। उसके बाद यदि निगेटिव है तो नॉट डालिए, निगेटिव नहीं है वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है तो नॉट नहीं डालिए। उसके बाद वी थ्री डालिए और बाय लगाकर एजेंट का यूज कीजिए, यानी इसके सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दीजिए। इतना ही काम हर सेंटेंस में करना है और इस तरह से आप देखेंगे कि ये बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। इस तरह से हमने पास्ट टेंस का ये चेंज करने का नियम देखा। अब इसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन रूल्स ऑन द बोर्ड, यू सी यू हैव टू चेंज सम सेंटेंसेस फ्रॉम योर बेसिक बुक्स एट योर होम इन योर कॉपी। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आपने सिंपल पास्ट को देखा, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका स्ट्रक्चर, इसका हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर होता है नॉर्मली एक्टिव वॉइस में भी, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, रूट फॉर्म जो वर्ब का है उसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो वी फोर बन जाता है वर्ब का। जैसे रन का रनिंग हो गया, कम का कमिंग हो गया, गो का गोइंग हो गया, राइट का राइटिंग हो गया, ईट का ईटिंग हो गया, ये आईएनजी फॉर्म उसका। तो वाज वेयर के बाद आईएनजी फॉर्म लगता है। आप देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर वी फोर ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। सेंटेंस आपके सामने है यहाँ बोर्ड पर, आई वाज राइटिंग अ लेटर, आई वाज राइटिंग अ लेटर। चेंज करने के लिए हमने जो पहले नियम देखा था, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने फॉलो किया, सेम वही स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूअस में हूबहू एग्जैक्टली द सेम स्ट्रक्चर शुड बी फॉलोड इन द टेंस दैट यू सी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एकदम एग्जैक्टली वही हूबहू वही करना है, डिट्टो एकदम। जैसे उसमें भी करते थे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे, यहाँ भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आपने बना दिया अ लेटर। उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर डालते थे, इज एम आर डालते थे, इसमें वाज वेयर डाल दिए। केवल हेल्पिंग वर्ब का फर्क है, उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर था, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर है, इतना ही ध्यान रखना है। ये पास्ट टेंस है, अ लेटर हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद उसमें भी बीइंग जोड़ते थे हेल्पिंग वर्ब के बाद, यहाँ भी बीइंग हमने जोड़ा है। अ लेटर वाज बीइंग वी थ्री रिटेन बाय मी, आई वॉज राइटिंग अ लेटर वॉज बींग रिटेन बाय मी। ही वॉज प्लकिंग मैंगोज, मैंगोज वेयर बींग प्लक्ड बाय हिम। इस प्रकार से इसका निगेटिव फॉर्मेट क्या बनेगा, आई वॉज नॉट, हेल्पिंग वर्ब वॉज नॉट, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। अगर चेंज करेंगे तो बस वही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि वॉज या वेयर है, बींग एडिशन में आया है, वो एडिशनल हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जैसा ट्रीट नहीं करना, वो अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स है, वो कॉन्स्टेंट है अपनी जगह पर, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। चेंज करना है केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को लगाना है, अ लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, आई वाज नॉट राइटिंग अ लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। क्वेश्चन बनाएंगे, वाज आई राइटिंग अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया सब्जेक्ट से, क्वेश्चन बन गया वाज आई राइटिंग अ लेटर। चेंज करेंगे तो अ लेटर के अनुसार, अगर यहाँ लेटर्स होता तो वेयर होता, मैंने कहा था कि ये जो नया सब्जेक्ट है इसके अनुसार इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी।
इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के किसी भी सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल मिन्यूटली इसको देखना है, समझने की कोशिश करना है। एंड इफ देयर इज समथिंग कंफ्यूजिंग, इफ देयर इज सम डाउट्स रिगार्डिंग दिस वीडियो यू हैव, मस्ट आस्क योर टीचर, गो टू द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट ऑन इट। थैंक यू।